गोंडा के नगर कोतवाली क्षेत्र में सभासद प्रतिनिधि मुकेश सोनी की खुलेआम गुंडागर्दी देखने को मिली, जहां गणेश पूजा मूर्ति स्थल पर हवन करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें सभासद प्रतिनिधि और उनके समर्थकों ने दूसरे पक्ष के गोपाल सिंह पर पुलिस के सामने ही गाली गलौज की और दूसरे पक्ष के साथ जमकर हाथापाई भी हुई। वहीं पुलिस सभासद प्रतिनिधि के आगे मूक दर्शक बनी रही। कुछ समय बाद पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले गई। तो गोंडा का पूरा मामला है, तस्वीरें देख सकते हैं कि इस तरह से हवन करने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में हाथापाई हो गई। आपको बता दें कि मुकेश सोनी की खुलेआम गुंडागर्दी देखने के लिए मिली। दरअसल सभासद प्रतिनिधि की खुलेआम यहां पर गुंडागर्दी देखने को मिली, हवन करने को लेकर पूरा विवाद हुआ था, दो पक्षों में ये विवाद हुआ और जमकर हाथापाई दोनों पक्षों में हुई। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि वहां पर पुलिस भी मौजूद रही और पुलिस के सामने ही सभासद प्रतिनिधि ने खुलेआम गुंडागर्दी की। बेगूसराय में मामूली सी बात को लेकर दबंगों ने एक दुकानदार के पूरे परिवार की जमकर पिटाई कर दी, जिससे एक ही परिवार की तीन महिला सहित छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। घटना लाखो थाना क्षेत्र के अयोध्या बारी की है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि सुमरन महतो का अपने भाई से विवाद चल रहा था और देखते ही देखते विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। फिलहाल पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है। तो बेगूसराय का ये पूरा मामला है, जहाँ पर दबंगों का आतंक देखने के लिए मिल रहा है। कानून का डर कोई भी जरा भी दबंगों में नजर नहीं आ रहा है। मामूली से विवाद को लेकर बात जो है वो शुरू हुई थी, लेकिन ये धीरे ही धीरे मामूली विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और ऐसे भी तीन महिला समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके बाद ये कहा सुनी ये विवाद इतना बढ़ गया कि पूरा मामला खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया और दबंगों ने एक परिवार पर जमकर हमला किया, मारपीट की, जिससे कई लोग इस पूरी घटना में घायल बताए जा रहे हैं। तो बेगूसराय का पूरा मामला है, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस खूनी संघर्ष में तीन महिला सहित छह लोग घायल हो गए, जिन्हें आपको बता दें कि आसपास के लोगों की सहायता से मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उन सभी का इलाज चल रहा है। हालांकि मामूली बात को लेकर ये दो पक्षों में विवाद हुआ था। लगातार आपको बता दें कि बेगूसराय में दबंगों का आतंक देखने के लिए मिल रहा है और ऐसे में लोगों ने बताया कि सुमरन महतो का अपने भाई से ही विवाद चल रहा था और देखते ही देखते विवाद ये मारपीट में तब्दील हो गया। फिलहाल पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। मामला कुछ नहीं है, बहन भाई लड़ा था, हम मेरा महिला भैंसू सिर्फ खाली देखने के लिए गया था, देखने गया उसके बाद उसको गरियाने लग गया, तब पर भी मेरा भैंसू कुछ नहीं बोला और उसके बाद घर में आया, घर में घुस के बोला कि यही तेरी बात चलते लड़ाई झगड़ा उसे मारने पीटने लग गया, तलवार लेकर के आया था, तलवार और उसके बाद गोली लेकर आया था मारने के लिए। मामला है, दो भाई बट में लड़ रहा था, ये खड़ा होके देख रहा था, यही बोलता है गाली दे के पूछ के जो यहाँ से ये अपना चल दिया, इससे दुश्मनी था, दुकान मधु मधु मांगा ही नहीं दिया, वही दुश्मनी लेके इससे उलझ के मार प्रचार किया। दस पंद्रह तीन चार आदमी पहले अकेले आया, उसके बाद नहीं हुआ, देखा सब है तब वो आया, दस पंद्रह आदमी लेकर मारपीट करवाया। तो आपको बता दें बेगूसराय का ये पूरा मामला है, जहां पर दबंगों का ये आतंक देखने के लिए मिला है। दरअसल मामूली विवाद को लेकर ये पूरा खूनी संघर्ष हुआ। दरअसल बताया जा रहा है कि भाई का ही अपने भाई के परिवार के साथ ये पूरा विवाद हो गया और देखते ही देखते पूरा विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं और ऐसे में साफ तौर पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष की महिलाओं पर जमकर हमला किया, मारपीट की और मारपीट में हाथापाई में कई महिलाएँ सहित कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है।